अच्छा, बचने के कितने चांसेस होते हैं कैंसर में? अभी जो सुनने को आया कि कैंसर का इलाज है ही नहीं, तो इसके बचाव के लिए क्या प्रॉपर दवाई बन रही है कि इसको जड़ से ही खत्म किया जा सके, या सिर्फ रोकथाम के लिए दवाई बनाई गई? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसपे हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। 2017-18 में दुनिया के बड़े 50 डॉक्टरों का मर्डर कर दिया गया, उनको मार दिया गया। कोरोना ने देश बर्बाद कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की तो देखी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कई अनेक बीमारी है जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, ना सरकार दे रही और ना आम नागरिक दे रहे। भाई इसे कैसे बचा जा सके? उस बीमारी का नाम है, उतनी भयंकर बीमारी है, उससे शायद कोई बच भी नहीं पाता। इस तक कोरोना तो बच भी जाए है, उसका नाम है कैंसर। तो उसके बारे में पूछेंगे आज। कैंसर ओवा कुकर है, सबसे पहली तो बात यह है, तो क्योंकि उस तब पता लगा जाना ओवा कुकर है, उसके बाद फिर लगा भाई रोकथाम कुकर हो सका उसके ऊपर। भाई साहब राम राम, कैसे? राम राम। अपने बारे में थोड़ा बताइए डिटेल्स। भाई मेरा नाम राजेश है जी, और प्रोफेशनली मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो कैंसर का जो मामला, आपने जो सवाल किए, कोरोना की बात हो रही है लेकिन कैंसर की बात नहीं हो रही है। असल में होता ऐसे ही है, जो रियलिटी होती है उसकी कोई बात नहीं करता, वो प्रोपेगेंडा को बहुत उछाला जाता है। तो कोरोना को एक बड़े प्रोपेगेंडा, मतलब एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बना के उछाला जा रहा है, और जिस बीमारी से लोग मर रहे हैं उसका कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूरे इंडिया का आज 40% जो कैंसर है वो हरियाणा में है। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट के पोर्टल पर रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं जिनकी ये रिपोर्ट्स हैं। यानी कि आपने पूरा रिसर्च करके यह बात बताई है कि हरियाणा में 40% है इंडिया का। हाँ, पूरे इंडिया। भाई इस बात पर ध्यान दे लियो, ये पूरे रिसर्च करे हैं उसके ऊपर, जब यह रिपोर्ट तैयार होगा है, कोई ऐसी झूठी खबर नहीं है। हाँ। और सच्चाई भी है, देखने को मिला भी है। और हरियाणा में जैसे पूरे इंडिया में मैं बताता हूँ, करीब 15 लाख से ऊपर केसेस हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। जो रिकॉर्ड में ही नहीं आते उनकी तो बात आप हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि भाई उनके वो कितने होंगे। अगर उनकी भी बात करें तो मेरे हिसाब से कम 27 लाख केसेस हैं पूरे इंडिया में, लेकिन हम रिकॉर्ड की बात करेंगे 15 लाख केसेस की। उनमें से भी 6.5 लाख केसेस की जो ऑथेंटिक डेटा है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, वो भी देखेंगे तो उसमें 6.5 लाख केस सिर्फ हरियाणा में हैं। अभी अगर मैं जींद की बात करूँ तो जींद में अभी मैं पिछले दिनों 10-15 दिन जींद में ही था, और वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में भी मैं गया, वहाँ पर 1821 रजिस्टर्ड केस हैं अभी वहाँ के रजिस्टर में, सिविल हॉस्पिटल के अंदर हैं। और काफ़ी हर तरीके का केस है, उनको लंग कैंसर भी है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओरल कैंसर है। तो ये कहीं ना कहीं कैंसर का जो मामला है हरियाणा में बहुत बड़े लेवल के ऊपर चल रहा है, इसकी कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं है। वहाँ पे 1800 केस देखे गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में केस है। हाँ, ये जींद में है। और मैं पूरा डेमोग्राफी भी बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर फरीदाबाद है कैंसर के मामलों में, दूसरे नंबर पर अपना यमुनानगर है, तीसरे नंबर पर जींद है, चौथे नंबर पर रोहतक है। तो मतलब अब जींद का एरिया देखिए सेंटर ऑफ हरियाणा है पहली बात तो। और हरियाणा की डेमोग्राफी, जब कुछ जानकार लोगों से मैंने बात की कि जींद में तो केमिकल रिसोर्सेज भी नहीं है, कारखाने भी नहीं है, फिर वहाँ पे इस तरीके से ये बीमारी क्यों फैल रही है? यूपी की अगर बात करें तो हिंडन नदी के आसपास का जो इलाका है जहाँ पे बहुत सारा केमिकल वहाँ पे उसमें डाला जा रहा है, तो उसके आसपास के इलाकों में कैंसर है। मैं इधर काफ़ी सर्वे हम कर चुके हैं हिंडन नदी के आसपास के इलाकों में। वैसे ही हरियाणा में जब मैं हैरान हुआ देख के कि हमारे जींद के इलाके में इतना बड़ा कैंसर का लेवल है, और हैरानी की बात यह है हरियाणा में 6,841 गांव हैं। शायद लोगों को पता नहीं होगा, जो लोग थोड़ा डेटा पे ध्यान नहीं देते तो उनको बता देता हूँ। 6,841 हमारे गांव हैं जिनमें से 3,500 से 4,000 गांव का पानी अभी ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से ख़राब, वो पीने लायक पानी बचा नहीं है। जल संकट के घेराव से हरियाणा घिरा हुआ पूरी तरह से। अभी जो पीने का पानी अगर ख़राब हो गया है तो आप कई गाँव में आप जब जाके देखेंगे, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सिसाई गांव है एक सबसे बड़ा गांव है। सिसाई गांव, उस गांव के बीच में बहुत बड़ा तालाब है, कम से कम 200 मीटर का तालाब होगा, दो तालाब हैं बल्कि, दोनों तालाब में पूरे गांव का गंदा पानी उसमें जाता है, उसी पानी को पशु भी पीते हैं। अब वो सोचिए जब वो पानी भूमिगत हो जाता है तो आसपास के इलाके का पानी ख़राब करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। वो सारा वो एक केमिकल पॉन्ड बना हुआ है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। तो इस तरीके के मामले, और ऐसा एक गाँव नहीं है, ऐसे हज़ारों गाँव हैं जिसके अंदर, जैसे जींद में घिमाना गांव है, वहाँ पे जो निकासी का सिस्टम है वो है ही नहीं, पूरा गांव का पानी तालाब में जाता है और वहीं से पशु पानी पी के आते हैं। आप खुद भी कभी जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर जाना और ये देखना कि ये जो पशु पानी पी रहे हैं ये कौन सा पानी पी रहे हैं। अब वो पशु ऐसा पानी पियेंगे, गंदा पानी जो होगा तो वो दूध में भी तो इफेक्ट आएगा। तो इसलिए बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं, जो हमारा घी और दूध है जब उनकी जाँच होती है, उनकी जो रिपोर्ट आती है, तो वो भी अपने खाने लायक नहीं बचे हुए आज के दिन। दूसरी बात सब्जियों की है, सब्जियों में बहुत सारी पेस्टिसाइड्स यूज की जा रही हैं। पंजाब में जब कैंसर बढ़ा, जैसे पंजाब का बठिंडा बेल्ट जो है वहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जब कैंसर बढ़ा तो वहाँ पे बहुत सारी पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया गया। लेकिन आप हरियाणा के इलाकों में, हरियाणा के दुकानों पर आप खुद जाके सर्च कीजिएगा, वो पेस्टिसाइड्स बेची जा रही हैं जी। वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है
क्योंकि ऑथेंटिक जब आप जो अप्रूव्ड पेस्टिसाइड है उसको आप खरीदेंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने उसके अंदर उतने केमिकल डाला नहीं है। तो किसान को मजबूरी में क्या खरीदना पड़ेगा, किसान बोलेगा अरे यार इससे तो ठीक नहीं हो रहा मेरी फसल, तो किसान को मजबूरन वो पेस्टिसाइड खरीदनी पड़ेगी जो बैन है। बिल्कुल। और वही वो पिछले दरवाजे में रखी हुई है दुकान पे, वो उठा के आपको दे देता है। तो पेस्टिसाइड भी एक बड़ा खतरा है जिसकी वजह से सिटीज़ में भी कैंसर फैल रहा है। जैसे 27% दिल्ली का कैंसर का रेटिंग है, दिल्ली में भी कैंसर का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ही कितने रिसर्च सेंटर हैं। अभी फरीदाबाद में TJSTI है सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, और भी बहुत सारे। अच्छा, बचने के कितने चांसेस होते हैं कैंसर में? अभी जो सुनने को आया कि कैंसर का इलाज है ही नहीं, तो इसके बचाव के लिए क्या प्रॉपर दवाई बन रही है कि इसको जड़ से ही खत्म किया जा सके, या सिर्फ रोकथाम के लिए दवाई बनाई गई? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसपे हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। 2017-18 में दुनिया के बड़े 50 डॉक्टरों का मर्डर कर दिया गया। उनको मार दिया गया। ये मैं डेटा भी दे सकता हूँ आपको, बाई नेम बता सकता हूँ, और बहुत सारे डॉक्टर के इंटरव्यू लाइव भी दे सकता हूँ मैं आपको भेज दूंगा, उनके वीडियोज भी अपने चैनल पर जरूर चलाइएगा, ताकि लोग समझें कि होता क्या है। उनको क्यों मार दिया गया? उन्होंने कैंसर का इलाज इतना इजी बता दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये आराम से ठीक हो सकती है। कुछ ने जड़ी बूटियों से बताया, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सेबी, उन्होंने जड़ी बूटियों से कैंसर बताया, इलाज उसका बताया और लोगों को ठीक कर दिया। कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने उनके ऊपर केस कर दिया, वो कोर्ट में ट्रायल चला, और उसके बाद कोर्ट ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। उसके बाद उनको बोला गया कि आप 9 गवाह लेके आओ। तब वो 9 गवाह लाने की जगह उन्होंने 77 लोगों का इलाज कर चुके थे, उनमें से बहुत से लोग उनके पक्ष में आ गए। जब उन्होंने आके गवाही दी कि हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, कोर्ट ने उनकी रिपोर्ट्स जो हैं देखी, जांच की उनकी, और उसके बाद उनको ब्री कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर सेबी का मर्डर कर दिया गया, और उनको ये बोला गया कि ये निमोनिया से मर गए हैं। जो लोग कैंसर का इलाज कर सकते, जो डॉक्टर कैंसर का इलाज कर सकता है, आप मुझे बताइए क्या निमोनिया से मर सकता है? बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक लाइव वीडियो भी है, एक बहुत सारे पोर्टल के ऊपर उनका लाइव वीडियो भी। मतलब ये प्रोपेगेंडा नू रचा कि बिजनेस जो है, कई लोग जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो दवाइयों कंपनी है, उनका बिजनेस रुक जाए। दवाइयों की कंपनी भी है, अभी कल ही मैं एक रिपोर्ट पे काम कर रहा था, गोल्डमैन सैच एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी एनालिसिस की कंपनी है, उसके कुछ एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर भी है वो, उन्होंने ये लिखा कि अगर वन शॉट इलाज होगा, वन शॉट ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का करोगे, तो वो अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब फार्मा इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो दुनिया की इतनी बड़ी एजेंसी गोल्डमैन सैक्स, हर रोज़ आप जितने बिजनेस चैनल हैं उनके ऊपर देखोगे तो उसका नाम आता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है शेयर बाजार को ऊपर नीचे करने में, कि आज मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ली जाती है। तो वही, वो एक बहुत बड़ी एजेंसी है, वो उस एजेंसी का कहना है अगर आप वन शॉट ट्रीटमेंट दोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसलिए फार्मा इंडस्ट्री क्या कर रही है, ऐसी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं कि आपकी बीमारी चलती रहे, आप दवाइयाँ खरीदते रहिए। उनका मतलब है दवाइयाँ बेचनी हैं आपको, उनका काम इलाज करना आपका, उनका काम ये नहीं है कि भाई ये ठीक हो जाए प्रॉपर तरीके। अब जैसे अगर कोरोना की बात करें, तो कोरोना की जो वैक्सीन है, अभी तक मेरे सामने इंडियन जो कोरोना वैक्सीन बनी है, 2 वैक्सीन हैं, एक कोरोना शील्ड है, एक कोवैक्सीन है इंडिया की जो हैं, इनका तो पता नहीं कि इनका जो इफिकेसी क्या है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसकी इफिकेसी 63% है, और ये WHO की वेबसाइट के ऊपर है। अब जो वो 63% का दावा कर रहे हैं, अब इंडिया वालों को तो पता ही नहीं ये दावा कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, और उन्होंने ही बोला है कि 8 हफ्ते या 12 हफ्ते में दोबारा आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अब वो 2018 की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है वन शॉट ट्रीटमेंट नहीं देना है, तब तो कोरोना भी नहीं था, अब कोरोना है। एक बात पूछूं मैं आपसे, ये कोरोना रियलिटी में इतनी भयानक बीमारी है, जितना भयानक है लॉकडाउन लगा हुआ है कि 4 गज की दूरी मास्क है जरूरी। कोरोना नाम की कोई बीमारी दुनिया में नहीं है, एक कॉमन कोल्ड है, एक जुखाम की एक अगली स्टेज है। भारत में आप देखेंगे कि यहाँ पे मौसम परिवर्तन जैसे ही होता है बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, खांसी जुखाम होता है हमें, बहुत बार होता है ऐसा। तो वैसे ही अगर यूरोपियन कंट्री को आप देखोगे तो वहाँ पे साइनस की बीमारी है, साइनसिटीज एक बीमारी होती है जिसको हम अपने यहाँ पे नज़ला कह देते हैं। उसमें क्या होता है, म्यूकस पूरी तरह से जम जाता है उन लोगों के, और 18-24% लोग हर साल पहले से ही ग्रसित होते हैं उससे, और कम से कम 9-12% या 14% तक लोगों की डेथ हो जाती है साइनस से अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं। और सिर्फ कोरोना से पूरी दुनिया में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई है, ऐसी कोई एक भी डेथ नहीं हुई सिर्फ कोरोना से पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में एक भी सिंगल डेथ आज तक नहीं हुई है, ना तो WHO के पोर्टल पे है, ना कहीं किसी कोई रिपोर्ट ही असल में इसमें प्रदर्शित नहीं की गई अभी तक डेटा में, रिपोर्ट है ही नहीं इसकी कहीं भी। वो लोग तो कहते हैं कि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, काफ़ी जो केसेस हो रहे हैं इसकी एक रिपोर्ट पे आप जाइए, अभी दिल्ली में भी खबर चल रही है, लाश फूकने की भी जगह नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी देखिए कोरोना से जो अभी डेथ हैं आप गूगल पे सर्च करेंगे तो करीब 2.98 मिलियन डेथ बताई जा रही हैं, लेकिन 2019 की स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट है जो WHO की वेबसाइट के ऊपर है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
2019 के अंदर 8.9 मिलियन लोगों की डेथ हुई, और वो किस डिजीज़ के कारण हुई? वो हुई हार्ट डिजीज़ के कारण। और दूसरे नंबर पे उसकी 11% जो डेथ हुई वो हुई ब्रेन डिजीज़ के कारण। 8.9 मिलियन डेथ 2019 में, तब तो कोरोना भी नहीं था। लेकिन अभी तक कितने डेथ हुई हैं, अभी तक जो कोरोना से बताई जा रही हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी संभावना है कि जो वो पहले से डेथ हो रही हैं उनको कोरोना डेथ साबित किया जा रहा हो या बताया जा रहा हो। ये तो बहुत गहरी जांच का विषय है। ये बिल्कुल सही बात है। वैसे आंकड़े देखे जावा तो उतनी डेथ पहले हो आंकड़े थी उतनी आज भी हुआ है, क्योंकि मरने वाले की जो अगर मरेंगे इन तो फिर इस देश में जनसंख्या ही ज़्यादा हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ मरेंगे जीवेंगे, वो तो उनका रेस हुआ है, बीच का वो है उनका। लेकिन ये तो सिस्टम चल रहा है पहले से ही कि भाई इतने लोग पैदा होते हैं तो लोग डेली मरते हैं, ये तो नहीं भाई सभी जी उम जाएंगे, तो ये तो बात रियलिटी है इस बात। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसी कैंपेन चली जो 5G का विरोध किया, जिन्होंने हार्प एक टेक्नोलॉजी है उसका भी विरोध किया। बहुत सारे पोर्टल भी अभी बने हुए हैं, कल मैं देख रहा था एक फेसबुक पे पेज भी बना हुआ है कि हार्प कॉन्स्पिरेसी क्या है उसके बारे में बता रहे हैं लोग। हार्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वेदर को कंट्रोल किया जाता है। अब जब सोचिए कि प्राकृतिक चीज़ों को अगर कंट्रोल आप करोगे तो उसके लिए कितने पावरफुल रेडिएशन आपको चाहिए। अगर इतना पावरफुल रेडिएशन अगर आप सोसाइटी में छोड़ोगे, लोगों के ऊपर छोड़ोगे, तो उनकी हालत क्या होगी? अब कुछ फोटोज़ आपने यूट्यूब पे पीछे देखे होंगे या सोशल मीडिया पे देखे होंगे, बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, जंगली पशु भी मर रहे हैं, कुछ परिंदे ऊपर से गिर के नीचे सड़क पे मर गए। ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे सारी चीज़ें। और ऐसा ही ये सिस्टम है रेडिएशन का, रेडिएशन से ही ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं लोगों को, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं और स्ट्रोक्स हो रहे हैं। अब गाँव में आप जाओगे जहाँ पर टावर लगे हुए हैं वहाँ पर देखिए कितनी पशु बीमार हो रहे हैं, भैंसों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। अभी मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने फिजिकली करीब करीब 2-3 साल के अंदर 4000 गांव विजिट किए हैं, और गांव के वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या होता है वहाँ पे खान पान क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, ये सारा डेटा है मेरे पास इन चीज़ों का, और मैं ग्राउंड पे देख चुका हूँ वो चीज़ें। तो हालात बहुत गंभीर हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी इतनी ज़्यादा हो रही है, 7 मंथ में डिलीवरी हो जाती है, किस वजह से हो रही है? जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 45% तक चली गई है। अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 43-45% मर जाते हैं या बीमार होकर कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये बहुत गहराई से सोचने का विषय है, बहुत गहरी जाँच का विषय है। और ये जाँच तब होगी जब समाज के लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल, हमें दोबारा उस टॉपिक पर आवाएं कैंसर के उस इलाज पर। आखिर कैंसर मतलब ऐसे कैंसर तक पहुँच जाए ना, हमें ऐसी बीमारी मारा लग गई ना, इसके भी कुछ उपाय हैं भाई, इस तरह से अपना रहन सहन बनाए तो इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है इससे। कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कैंसर अगर उसका इलाज नहीं है तो बड़ी बीमारी है, और आपको जानकारी नहीं है तो भी बड़ी बीमारी है। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं पानी से नहीं होता, कोई भी डॉक्टर आपको पूरे इंडिया में ये नहीं बोलेगा कि खराब गंदा पानी पीने से कैंसर होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में एक कंपनी ने बच्चों का जो मिल्क प्रोडक्ट होता है वो लॉन्च किया, और वहाँ पे अच्छा पानी नहीं था उसके लिए, तो वो बच्चों को वो पानी पिलाने लगे, तो वहाँ पे बच्चों की डेथ होना शुरू हो गई। वो गंदे पानी में वो दूध को मिला के पिला रहे थे क्योंकि उनके पास पानी की सुविधा नहीं थी। तो वो एक रिपोर्ट है, वो एक ऑथेंटिक डेटा है। बाकी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जिनके मायने ये हैं कि आप गंदा पानी पियेंगे तो आपके अंदर टॉक्सिक बनेगा, एसिड बनेगा, जो भी एसिडिक पदार्थ होता है उसको आप कंज्यूम करेंगे अपनी बॉडी में तो फॉर श्योर वो कैंसर आपकी बॉडी में बन सकता है। जैसे फास्ट फूड है उसको भी बैन किया जाता है। कोई भी जब दिल्ली में बड़ा आदमी, कोई भी आदमी लगा लीजिए जिसको कैंसर जैसी बीमारी होती है, ब्रेन की कोई बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, तो उसको डॉक्टर स्पेशली ये बोलते हैं कि दिल्ली छोड़ के जाओ, बाहर रहो, किसी फार्म हाउस पे, किसी गाँव में रहो, किसी खेत में रहो, ऑर्गेनिक फूड खाओ, सफाई से रहो। ये जो मास्क है ना कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयर में कोई भी कण उसके अंदर चला गया, कोई भी पार्टिकल उसके अंदर चला गया तो वो भी उसको डैमेज कर सकता है। तो पहले से ही ये बीमारी ना हो इसलिए आपको बहुत संतुलित तरीके से रहना पड़ेगा, और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे पानी की, साफ पानी आपको पीना पड़ेगा। दूसरा, ग्राउंड वाटर जो खराब हो रहा है गाँव के एरिया में, अपने ग्रामीण इलाकों में, यह एक दो बात घनी खराब लग रही है कि जब गाँव में इतना पानी यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, और सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे रही है, तो वो जो काम में तालाब बनाया गया उसमें देखूँ मैं कहीं गांव में वाईएसआई वाईएलएल की जो चल रही है स्कीम उसके अंदर पानी इकट्ठा करता है, फिर पानी उसका कहाँ यूज करें फिर उसको? देखिए, पानी के लिए एसटीपी होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहाँ पे भी गंदा पानी इकट्ठा होता है तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उसको बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो गुड़गांव में अभी जो गंदा पानी पैदा हो रहा है या जो केमिकल है फैक्ट्रियों से निकलने वाला, उसका जो अप्रूवल है 160 मिलियन गैलन का है, इतनी कैपेसिटी है गुड़गांव की। लेकिन वहाँ पे प्रोड्यूस डेली का कितना हो रहा है? 460-500 तक, मतलब 450 से 500 मिलियन गैलन पर डे वहाँ से कचरा निकल रहा है।
केमिकल निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, वो पानी जहाँ जा कहाँ रहा है, या तो भूमिगत हो जाता है या फिर नदी नालों के जरिए वो आगे खेतों में जाता है। अब वो जहाँ भी जाएगा वो कैंसर पैदा करेगा ही करेगा। तो हम फ्यूचर को बहुत अच्छे से कैंसर देते जा रहे हैं। हम एक तरफ से तो ये बोल रहे हैं हम विकास के उस दौर में हैं जहाँ पे हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, लेकिन हकीकत बात ये है हम गाँव में कैंसर बांट रहे हैं और बहुत अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं कैंसर के। आने वाली जनरेशन, अब बहुत सारे जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये पता, जेनेटिक कैंसर के बारे में आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैंसर ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे किसी को अभी ये केस हैं, यहीं पे आते भी हैं, वो मिलते हैं कई बार, आपसे मिलवाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम उनसे। उनके बेटे को कैंसर हो गया, किसकी वजह से, उनको भी कैंसर था और वो अभी तक तो जिंदा हैं, लेकिन उनका बेटा 9 ईयर का था, उनकी डेथ हो चुकी है कैंसर से। अब सोचिए ये जब जिसके जिसके घर में ये बात बीतती है ना, उसका दर्द उसी को होता है। दूसरे लोग सिर्फ ताली बजा सकते हैं या कि न्यूज़ की तरह इस खबर को ले सकते हैं और इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अपने गाँव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक गाँव नहीं सुधरेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल ये समझ करो भाई कि आने वाले टाइम में हर घर में इस बीमारी का प्रचलन हो जाए, देखने को मिले। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो, बाकी पानी खराब ना करो। पानी का खराब हो गया ना समझ ले पूरा सिस्टम खराब हो गया, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा जाएं तो बेटर है। बिल्कुल, जैसे यूरिया अपने खेतों में जहाँ पे दो कट्टे की जरूरत है यूरिया की एक एकड़ में, तो वहाँ पे लोग 5 ठोक रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। सीमेंट की जैसे हमारी आदत ही है, ये एक्चुअली गलती लोगों की भी नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट ने नहीं चलाया कि गांव में जाके लोगों को ऐसा कुछ बताया जाए, या कुछ जो गवर्नमेंट का काम होता है, सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी काम होता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको भी फंडिंग करती है। नहीं, गवर्नमेंट एक बात भी तो सके, जो करिए फर्टिलाइजर जो कर खाद दवाई बीज बना हुआ है, इनकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी। वही तो चीज़ है, अब जो पेस्टिसाइड्स की कंपनियाँ हैं वो नकली है, वो बैन पेस्टिसाइड अगर बेच रही हैं तो किसी की तो मिलीभगत से बेच रही होंगी ना, तो सरकार की मिलीभगत होगी या किसी नेता की होगी या किसी नेता के रिश्तेदार की होगी, डायरेक्ट सरकार तो नहीं करेगी, कोई तो होगा जिसकी वजह से बेच रही है। जो बठिंडा में जो पंजाब में पेस्टिसाइड बैन, वो हरियाणा में क्यों बेची जा रही है, और वहाँ पे हमें ये बता दो बैन किस वजह से, कैंसर की वजह से तो बैन है वहाँ पे, और वहाँ पे कैंसर फैल चुका, तुमने वहाँ पे बैन कर दी, मतलब हरियाणा में जब फैल जाएगा तब बैन करोगे क्या? तो भाई ये बात करी है, काफ़ी बातों पर चर्चा हुई है, लंबी वीडियो बन गई है, लंबी वीडियो 19 मिनट की वीडियो बन गई है। जो इस वीडियो में देखेगा वो शायद अपने जीवन में थोड़ा बदलाव कर सके और इन बीमारियों से बच सके। तो कैसी राय रही कमेंट बॉक्स में बता दियो, और भाई बचा रहा करो बीमारी से, अगर जीवन सुधार करो, अपने गांव में जागरूक लोग इकट्ठे हो, वहां के पानी के लिए काम करो, खेतों के पानी के लिए काम करो, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ो, यूरिया का उपयोग कम से कम करो, गोबर की खाद का ज़्यादा, जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करो। अगर हम अपने लोगों को नहीं बचा पाए, आने वाली पीढ़ियों को नहीं बचा पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ कि जो हमने वीडियो बनाई है इसमें बिल्कुल एक एक बात सच्चाई की तरफ है, और इस बात का मैंने पता है कि लोग इस वीडियो ने कितना देखेंगे, अर्थ हमने बताया, क्योंकि आज के टाइम में यह भी बात सच्चाई है कि अच्छाई देखना लोग पसंद नहीं करते, नहीं है, सच सच नहीं सुनते। एक्चुअली हमारी मानसिकता जो है वो ये हो गई कि भगत सिंह तो हो लेकिन किसी पड़ोसी के घर में, और मर चुका हो, जिंदा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भाई, मर्जी ठहरी है भाई, हमारा काम है, अपना काम कर दिया हमने, बाकी थारा अगला काम है, इसके ऊपर अमल करना और इसके ऊपर विचार करना। तो भाई इसी के साथ एनडी हरियाणा चैनल पर बने रहेगा, नमस्कार।